अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स आफी खान्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम सामईन नाज़रीन, आज का सफ़र काफ़ी पुराने सफ़र की एक यादगार वीडियो है जो बर्फबारी के सीज़न की है और जंगल में बारबेक्यू के हवाले से की गई थी। तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, टूर्स एंड ट्रैवल्स आफी खान्स ऑफिशियल को, और बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। आगे आगे देखें, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़ देखने को मिलेंगे। वो बर्फ़बारी, वो भी जंगली माहौल के अंदर बर्फ़बारी, और इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि तकरीबन पाँच फुट तो थी तकरीबन बर्फ़, उसके ऊपर चलना, वहाँ पर सर्वाइव करना। और फिर हमने वहाँ पर वादी की भी इंतज़ाम किया था, उसकी भी है, और एक दरबार है, उसकी भी शॉर्ट सी वीडियो बनी हुई जो आप इसे देख रहे हैं। और उसके अलावा बहुत से बेहतरीन व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, बर्फ़ पिघलाकर पानी बनाने का काम जारी है। देखें जी, माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा था और दर्जा तकरीबन माइनस में था। तो बारबेक्यू का इंतज़ाम भी करने साथ में फिलहाल चाय का प्रोग्राम किया जा रहा था, और साथ साथ ज़रा शुगर मेला भी किया जा रहा है, बद को गर्म करने के लिए डांस की जा रही है। इसके साथ साथ दोस्तों की बगैरतियाँ भी शुरू हो गई थी, बस आपस में एक दूसरे के साथ, और काफ़ी देर ये ड्रामा भी लगा रहा। सब शुगर मेले के बाद बारबेक्यू का इंतज़ाम किया गया, काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके जलाई गई, और काफ़ी मुश्किल होता है जहाँ बर्फ़ के अंदर आपको आग जलाना, और फिर काफ़ी मेहनत के बाद आग फाइनली जला के उसके कोले बना के फिर बारबेक्यू का इंतज़ाम शुरू कर दिया गया जी। बारबेक्यू के साथ रोटियाँ थी, और दोपहर का, सिर्फ दोपहर का ही था, हम लोगों ने वापस भी आना था। सो बेहतरीन व्यूज़ थे माशाल्लाह, और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। आप लोग भी ज़रूर आए और ज़रूर इंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। और बर्फबारी के माहौल को इंजॉय करें। देखें जी, मैं और मेरे जो साथ तमाम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्रॉलिंग की और बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। ये देख सकते हैं आप फौजी स्टाइल में, और ये बहुत ही मज़े की जगह है, और ज़रूर आएँ, ज़रूर इंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा, और आगे वीडियो पूरी आपने ज़रूर देखनी है। दुआओं में याद रखिएगा। फिर अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।